हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिटेल में डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझेंगे। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस ऐसा क्रॉस है ना जिसमें दो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस इन्वॉल्व होता है, उसे डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ए ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट डीलिंग विथ टू हेरिटेबल कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स जो होते हैं ना, इनके दो डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम इसमें कंसिडर करते हैं। तो मेंडल ने जो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे वो कौन कौन से थे, ये सीड का शेप था और सीड का कलर था। तो पहला उन्होंने राउंड और येलो सीड लिया था और दूसरा व्रिंकल्ड और ग्रीन सीड लिया था। इसे हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो इन दोनों सीड्स को जब क्रॉस किया गया था तो फर्स्ट जनरेशन जो F1 जनरेशन था वो राउंड और येलो हमें मिला था, और फिर इस F1 जनरेशन को सेल्फिंग या फिर सेल्फ ब्रीडिंग किया गया। जब इसे सेल्फ ब्रीडिंग किया गया तो F2 जनरेशन में 9 जो थे वो राउंड और येलो शीट्स मिले, 3 राउंड और ग्रीन शीट्स मिले, 3 व्रिंकल्ड और येलो शीट्स मिले और 1 व्रिंकल्ड और ग्रीन शीट मिला। ये 9:3:3:1 का रेशियो मिला, जो कि क्या था, फेनोटाइपिक रेशियो था। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिला हमें, 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो इसी में जब डिवाइड किया गया 1:2:2:4, इसमें 1:2, इसमें 1:2 और इसमें 1। यहां पर जो इम्पॉर्टेंट है वो फेनोटाइपिक रेशियो है, यही ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्रॉस को हम और डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर क्या था, पेरेंट्स जो था वो येलो और राउंड था, तो इसके लिए कैपिटल R और कैपिटल Y। और यहाँ पर क्या था, व्रिंकल्ड था और ग्रीन था, तो ग्रीन को स्मॉल Y में लेंगे और व्रिंकल्ड को स्मॉल R में लेंगे। तो पेरेंटल गैमेट्स जो बने ना वो कैपिटल R और कैपिटल Y बना, और यहाँ पर स्मॉल R और स्मॉल Y बना। तो F1 जनरेशन जो हमें मिला वो क्या था, कैपिटल R और स्मॉल R, कैपिटल Y और स्मॉल Y, और इनके गैमेट्स फिर हमें ये चारों मिले, यानी कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल Y, स्मॉल R, कैपिटल Y, स्मॉल R, स्मॉल Y। फिर इनको जब क्रॉस किया गया तो हमें F2 जनरेशन मिला। अब ये F2 जनरेशन का क्रॉस हम अच्छे से इस टेबल की मदद से समझेंगे। तो यहाँ पर एक साइड मेल गैमेट्स को रखा गया और एक साइड क्या किया गया, फीमेल गैमेट्स को रखा गया। तो यहाँ पर देखिए, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल Y, स्मॉल R, कैपिटल Y, स्मॉल R, स्मॉल Y, और यहाँ पर भी सेम। तो जब इनको क्रॉस किया गया तो देखेंगे ये और ये यहाँ पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला R आ गया और ये वाला R आ गया, तो दोनों कैपिटल है, और ये दोनों Y आ गया, तो यहाँ पे दोनों कैपिटल Y है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जब देखेंगे तो ये दोनों R आ गया और ये दोनों Y यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसी तरह से फिर इसमें देखेंगे तो ये R और यहाँ पर ये R और ये Y और ये Y, तो यहाँ दोनों कैपिटल है, यहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल है। तो इसी तरह से सारे को हम देख लेंगे। तो इसके बाद जो रेशियो मिला ना, जहां पर हमें एक भी कैपिटल R मिलेगा वहां पर क्या होगा, राउंड होगा, और जहां पर एक भी हमें कैपिटल Y मिलेगा वहां पर येलो होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है। और जहां पर दोनों स्मॉल R होंगे और दोनों, तो यहां पर क्या होगा, ये व्रिंकल्ड होगा, और जहां पर दोनों स्मॉल Y होंगे वहां पर ग्रीन होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रिसेसिव कलर है। यानी डोमिनेंट कैरेक्टर को आने के लिए एक भी एलील काफी है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताए हैं, और रिसेसिव कैरेक्टर को आने के लिए दोनों एलील का रहना जरूरी है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो फेनोटाइपिक रेशियो हमें मिलेगा। तो राउंड और येलो कहाँ कहाँ पर है, पहले हम उसे ढूंढते हैं। यहाँ पर राउंड येलो होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 जो होंगे वो हमें राउंड और येलो मिले। अब राउंड और ग्रीन को देखते हैं। यहाँ पर राउंड होगा और ग्रीन होगा 1, राउंड और ग्रीन होगा 2, और राउंड और ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पर
एक आर कैपिटल में हमें मिल रहा है, तो राउंड मिलेगा, और चूंकि यहाँ पर वाई दोनों स्मॉल में है तो ग्रीन मिलेगा, तो ये तीन हो गया। उसके बाद देखते हैं व्रिंकल्ड और येलो, यानी वाई एक भी कैपिटल होगा तो हमें येलो मिलेगा, और व्रिंकल्ड के लिए हमें दो स्मॉल आर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक, दो और तीन, ये तीनों क्या हो गए, व्रिंकल्ड और येलो हो गए। अब व्रिंकल्ड और ग्रीन के लिए हमें आर भी दोनों स्मॉल में चाहिए, वाई भी दोनों स्मॉल में चाहिए, तो ये वाला जो है, यहाँ दूसरे कलर से देखिए, ये वाला क्या हो गया हमारा, व्रिंकल्ड और ग्रीन हो गया। तो ऐसे हमें 9:3:3:1 के रेशियो में ये मिल गया हमारा फेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, 9:3:3:1। और इसी फेनोटाइपिक रेशियो के मदद से ही मेंडल ने हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में समझाया, ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऐसे ही पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, एंड बी योर बेटर सेल्फ। थैंक यू।